उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने उज्जैन जिले की तमाम जनपद जिला पंचायत और ग्राम पंचायत सहित नगर पालिका परिषद सहित सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि गंभीर महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर सेकेंड डोज में टीकाकरण समय समय पर कराया जाए और बेहतर व्यवस्थाओं के साथ आम नागरिकों को सूचना करके बुलाया जाए और टीकाकरण शिविर संपन्न सही तरीके से पूरे उज्जैन जिले के अंदर समय समय पर आयोजित होते रहें, उसी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश के बाद तहसीलों में अधिकारी समय समय पर होने वाले टीकाकरण शिविरों पर ध्यान रख रहे हैं और बेहतर तरीके से टीकाकरण शिविर संपन्न हो उसको लेकर काम कर रहे हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वर्तमान में उज्जैन जिले में 2.5 लाख से अधिक ऐसे लोग हो गए हैं जिन्होंने कोरोना का पहला डोज तो लगवा लिया है और वो दूसरे डोज के लिए पात्र भी हो गए हैं, अर्थात उनकी अवधि पूर्ण हो चुकी है लेकिन फिर भी उन्होंने अभी तक दूसरा डोज नहीं लगवाया है। और इस हेतु 18 तारीख को यानी परसों हम लोग एक बहुत बड़ा टीकाकरण का महाअभियान चलाने वाले हैं, जिस दिन हमारा टारगेट है कि 1,36,000 लोगों को एक दिन में पूरे जिले भर में सेकेंड डोज जो है वैक्सीन का लगवाया जाए। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और जो भी लोग पात्र हो गए हैं सेकेंड डोज के लिए अपना सेकेंड डोज जरूर लगवाएं। कोरोना की तीसरी लहर से अगर हमको बचना है तो केवल एकमात्र यही रास्ता है जो हमारे पास में। आज की बैठक हमने जिन ग्राम पंचायतों में सबसे अधिक टीकाकरण शेष था उन ग्राम पंचायतों को बुलाया था ताकि कल जो हमारा टीकाकरण का महाअभियान है उसमें जो कलेक्टर महोदय के जो निर्देश दिए हैं उस टारगेट को हम अचीव कर सके, तो इसी को लेकर हमने आज बैठक का आयोजन किया था जिसमें SDM सर के द्वारा सभी को निर्देश दिए हैं कि जो लक्ष्य प्राप्त है उसके अनुसार हम उसको करें। वैसे हमारी उज्जैन जिले में सबसे अच्छी पोजिशन है अगर आज की तारीख में देखा जाए तो हमारा 72% तो वैक्सीनेशन सेकेंड डोज का हो चुका है और बाकी जो बचा है उसके लिए हम लोग महाअभियान में कोशिश कर रहे हैं कि इसको खत्म करें। जैसे मौसम भी बदला है और अभी सर ठंड भी शुरू हुई हो चुकी है, ठंड का भी असर बढ़ चुका है, तो किस प्रकार से क्या है सर? अभी जो बेसिकली सस्पेक्टेड जो डेंगू के जो फीवर के जो मरीज मिल रहे थे वो अभी जैसे दिवाली के बाद जो मौसम में जो परिवर्तन हुआ है उससे काफ़ी जो है कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मच्छर और दूसरे हमारे विभाग के द्वारा जो है मलेरिया इंस्पेक्टर जो हमारे हैं उनके माध्यम से जो हमने ग्राम पंचायतों में छिड़काव भी करवाया है उससे ऐसा असर हुआ है कि अब जो हमको OPD में भी जो पेशेंट सर्दी जुकाम बुखार के काफ़ी कम जो है मिल रहे हैं। नहीं तो दिवाली के पहले ये स्थिति थी कि हमारे हॉस्पिटल में लगभग 150 से 200 पेशेंट पर डे की OPD हो रही थी। सर अब किस प्रकार से क्योंकि अब ठंड बढ़ रही है तो आप लोग निरीक्षण कर रहे हैं और जाना भी किया जा रहा है देखा जा रहा है, किस प्रकार से व्यवस्था को संभाल रहे हैं? अभी बेसिकली अब यही है कि एक तो जो हमारा मेन है कि भाई इस टाइप की जो संक्रामक जो बीमारियां जो होती हैं उनके लिए हमने ऑलरेडी जो ब्लॉक स्तर पर 5-6 कॉम्बैक टीम बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।